हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आशीष सर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नया सम अमालगमेशन का, ब्लैक एंड वाइट लिमिटेड का सम है। ये जो सम है हमारा टी वाई बैक का सम है, ठीक है। तो आपको इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आने वाली है, ठीक है। और इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो या इसको आप इसको देख सकते हो, ठीक है। और जिन पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी तक सॉल्व करा है उसका मैं आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। देखिए हम लोग क्वेश्चन क्या दिया, हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं, ठीक है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ब्लैक लिमिटेड, यानी क्वेश्चन में बैलेंस शीट ब्लैक लिमिटेड एंड वाइट लिमिटेड दोनों की बैलेंस शीट दी गई है, ठीक है। तो लाइबिलिटीज दिया है, असेट्स दिया है। अब इसमें क्या बोला है, ऑन 1/4/2015 दे डिसाइडेड टू अमालगमेट एंड फॉर्म अ न्यू कंपनी नेम नीतू लिमिटेड, यानी ब्लैक लिमिटेड और ठीक है वाइट लिमिटेड, यानी ये भी मेरी लिक्विडेटर कंपनी है, ये भी मेरी लिक्विडेटर कंपनी है, यानी ये दोनों अपनी अपनी कंपनियां बंद करके एक नई कंपनी स्टार्ट करें जिसका नाम उन्होंने क्या रखा है, नीतू लिमिटेड रखा है, ठीक है। द टर्म्स ऑफ अमालगमेशन क्या दिया है, नीतू लिमिटेड विल इशू, नीतू लिमिटेड दे रही है, क्या दे रहा है बेटा, इशू 3015% डिबेंचर ऑफ 100 ईच टू द डिबेंचर होल्डर ऑफ, ठीक है, ऑफ ब्लैक लिमिटेड। यानी देखो आपके पास डिबेंचर दिख रहा है, यस, तो ब्लैक लिमिटेड के डिबेंचर होल्डर को, ठीक है, ब्लैक लिमिटेड के डिबेंचर होल्डर को क्या मिलेगा, 3000 नंबर ऑफ डिबेंचर ऑफ हंड्रेड ईच, ठीक है। बस इसका परसेंटेज 14% की जगह पे क्या हो जाएगा, 15%। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि 14% इज कन्वर्टेड इनटू 15%, ठीक है। 14% ऑफ डिबेंचर इज कन्वर्टेड इनटू 15%। तो हम लोग ऐसी एंट्री पास कर सकते हैं क्या, 14% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। तो 14% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर अकाउंट, क्लियर, ओके। द डिबेंचर होल्डर ऑफ वाइट लिमिटेड, अभी तक हम लोगों ने किसका सेटल किया था, ब्लैक का, अभी किसका सेटल करेंगे, वाइट लिमिटेड का। एग्री टू अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स, यानी डिबेंचर होल्डर ऑफ वाइट लिमिटेड को क्या दे रहे हैं हम लोग, नीतू लिमिटेड में इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं। अकॉर्डिंगली 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच आर इश्यूड एट पार टू देम, यानी 30,000 इंटू 10 करोगे तो यानी कितना अमाउंट आएगा, 3 लाख रुपीज अमाउंट आएगा। इसका मतलब ऊपर चेक करो, डिबेंचर्स यहाँ पर वाइट लिमिटेड का कितना है, 3,50,000, मतलब बदले में 3.5 लाख रुपये की जगह पर हम उनको कितना दे रहे हैं, सिर्फ 3 लाख रुपीज़ दे रहे हैं। यानी जब हम लोग पीसी कैलकुलेट करने के लिए बैठेंगे, ठीक है, यानी जब असेट्स और लाइबिलिटी टेकन ओवर का जब बात आएगा तो असेट्स और लाइबिलिटी टेक ओवर में यहाँ पे डिबेंचर का 3,50,000 ना लिख कर हम लोग कितना लिखेंगे, 3 लाख। देखो ब्लैक लिमिटेड का 3 लाख था, यहाँ पर टेकन ओवर वैल्यू भी 3 लाख रुपीज़ है, लेकिन जब हम लोग वाइट लिमिटेड की बात करें तो वहाँ पर भी डिबेंचर की टेकन ओवर वैल्यू कितनी है, 3 लाख रुपीज़ है, ठीक है। अंडरस्टूड, कोई डिफिकल्टी कि द डिबेंचर की दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 लाख ईच, 3 लाख रुपीज़, यहाँ पर भी 3 लाख आ जाएगा और यहाँ पर भी 3 लाख रुपीज़ आ जाएगा, कोई तकलीफ, ठीक है। पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 3 लाख रुपीज़ आ जाएगा, मैं ऐसा उसके ऊपर ओवर राइट कर देता हूँ तो समझ में आएगा। उसके बाद द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है, क्या बोला है, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ ब्लैक लिमिटेड, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ ब्लैक लिमिटेड वेयर अलॉटेड 4,500 15% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। देखो 4,500 इंटू 100, यानी हम लोगों को आंसर मिलेगा 4,50,000, यानी 4.5 लाख रुपये का अमाउंट है, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम लोग क्या दे रहे हैं, ब्लैक लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, ब्लैक लिमिटेड, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको 4.5 लाख रुपये ही है, कैलकुलेशन करने के बाद भी कितना मिल रहा है, 4.5 लाख रुपये ही मिल रहा है, ठीक है। तो बस यहाँ पे परसेंटेज का फर्क है, यहाँ पे 12% था, अब वो 12% की जगह पे क्या आ जाएगा, 15% आ जाएगा, कोई तकलीफ, ओके। नेक्स्ट,
इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ब्लैक लिमिटेड अलॉटेड 10 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच इन यूटू लिमिटेड फॉर एवरी 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 7 शेयर हेल्ड इन ब्लैक लिमिटेड एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर. ठीक है, समझो इसमें क्या बोला. अगर आपके पास 7 शेयर है, इफ यू हेल्ड, ठीक है, अगर आपके पास 7 शेयर है तो यू विल गेट, ठीक है, आपको कितने शेयर मिलेंगे, अलॉटेड 10 शेयर्स. यानी अगर आपके पास 7 शेयर है तो हम आपको कितने शेयर्स देंगे, 10 शेयर्स देंगे. तो आपको देखो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ब्लैक लिमिटेड, वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लैक लिमिटेड. तो ब्लैक लिमिटेड के अंदर आपके कितने शेयर्स है, 1,05,000. ठीक है, एक जीरो हटा दिया तो 1,05,000 आपके पास हेल्ड है. तो मल्टीप्लाइड बाय 10 करना, डिवाइडेड बाय 7 करना, तो यहाँ पर आपको एक अमाउंट मिल जाएगा. कितना मिलेगा अमाउंट, आप मुझे बता सकते हो. ठीक है, तो जैसा कि देखो नीचे कैलकुलेशन करके दिया होगा तो हम लोग देख लेते हैं डायरेक्टली. ठीक है, 10 रुपये का शेयर है यानी 10 रुपीज़ आपका शेयर कैपिटल में जाएगा और जो 2 रुपये एक्स्ट्रा बता रहे सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा. ठीक है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं क्या, 15 लाख रुपये मेरा क्या हो गया, शेयर कैपिटल. ठीक है, और 3 लाख रुपये मेरा क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा. ठीक है, अब आगे देखते हैं. सेम प्लांट एंड मशीनरी ऑफ अ ब्लैक लिमिटेड वेयर वैल्यूड एट 12 लाख, यानी प्लांट एंड मशीनरी की नई वैल्यू दी है, ब्लैक लिमिटेड का नया वैल्यू दिया 12 लाख रुपीज़. द अदर टेंजिबल असेट्स आर टेकन एट बुक वैल्यू. अदर टेंजिबल मतलब लैंड बिल्डिंग के अलावा, फिक्स असेट हो गया, डेटा इसके टेंजिबल एंड अदर लाइबिलिटीज. तो टेंजिबल डेटर्स, बैंक और स्टॉक, ये सबकी वैल्यूज देखो. डिस्काउंट हमको नहीं लेना है. क्रेडिटर और बिल्स पेबल, नीचे आगे क्या बोला है, द असेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ वाइट लिमिटेड. इसने असेट्स की वैल्यू दिया तो जो वैल्यूज आपको यहाँ नीचे दिया उसको आपको क्या करना है, एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड करना है और उसकी वैल्यूज को उस तरीके से लिखनी है. लाइबिलिटी दिया है सेम, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सी आपको जो बोला है वो. यहाँ पर ये किसकी बात करें, वाइट लिमिटेड की बात करें, तो वाइट लिमिटेड में 10% डिस्काउंट बोला है ना बेटा, तो 10% क्या करेंगे, माइनस कर दो. वेरी गुड, 4,50,000 में से 10% माइनस किया तो 45,000 माइनस करना पड़ेगा. बिल्स पेबल, तो असेट को असेट में डालना, लाइबिलिटी को लाइबिलिटी में डालना, दोनों चीज़ का कैलकुलेट करने के बाद आपको नेट असेट मिलेगा. अब नेट असेट करने के बाद क्या बोला है कि पहला पीसी हमने कैलकुलेट किया था, इक्विटी शेयर्स यहाँ पर भी कैलकुलेट किया था. ठीक है, इनिटू लिमिटेड वॉज इश्यूड नेसेसरी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नेसेसरी जहाँ पे नेसेसरी बोला है. ठीक है, जहाँ पे नेसेसरी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बोला है, इसका मतलब जितना भी यहाँ पर पीसी आएगा, जितना भी हमारा पीसी आएगा, पूरा का पूरा किसको जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर को जाएगा. नेसेसरी, नेसेसरी मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल जब थियरी समझाया तब से मैंने क्लियर बताया था. जहाँ पर बैलेंस शब्द आ जाए, बैलेंस, जहाँ पे नेसेसरी आ जाए. ठीक है, नेसेसरी मतलब जितना ज़रूरत है उतना, तो इसका मतलब नेट एसेट और ये सब करने के कैलकुलेट करने के टाइम पे ना ही वो सिचुएशन में गुडविल आएगा और ना ही उस सिचुएशन में कैपिटल रिजर्व आएगा. यानी हम लोग ब्लैक लिमिटेड में कैपिटल रिजर्व और गुडविल का सामना करोगे, वाइट लिमिटेड के सब में ही गुडविल बोला है इसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी सब चीज़ें एज इट इज रहेगी. ठीक है, प्रेफरेंस शेयर का भी कैलकुलेशन हमने किया, तो बाकी सब करने के बाद आपको यहाँ पर 1,00,000 रुपये क्या मिलेगा, कैपिटल रिजर्व मिलेगा. एंट्रीज, यू नो जिस तरीके से हम लोग एंट्रीज पास करते थे वैसे ही करोगे. लिक्विड बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट वाइट लिमिटेड. अब वाइट का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वाइट का अलग से कर रहे हैं. ठीक है, हमको क्वेश्चन में बोला ही है, क्या बोला है, ऑल्सो प्रिपेयर द न्यू बैलेंस शीट जहाँ एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वाइट लिमिटेड. तो वाइट का बोला तो वाइट का करने का, ब्लैक का बोला तो ब्लैक का करेंगे. लेकिन अगर हम लोगों को दोनों की प्रिपरेशन करनी है, याद रखना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. ठीक है, तो आपको क्या करना है, दोनों को प्रैक्टिस करना है, ब्लैक लिमिटेड के हिसाब से भी करना है, वाइट लिमिटेड के हिसाब से भी करना है. इंक्रीज में कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगी, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे अमालगमेशन आपको उतना ज़्यादा ईजी लगेगा. और बैलेंस शीट क्रिएट करना आपको आता है, क्योंकि आपने सेमेस्टर 5 में भी किया है, सेमेस्टर 6 में भी इसी तरीके से बैलेंस शीट क्रिएट करनी है. ठीक है, क्लियर. टिप्स यही रहेगा कि जहाँ पे मोर देन 2 आइटम्स रहेंगे, जहाँ पर एक से ज़्यादा आइटम रहेंगे उसका नोट्स टू अकाउंट्स आप बनाओ, जितना हो सके उसको शॉर्टकट भी आप कर सकते हो. ठीक है, इसी तरीके के वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए. मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद.